हेलो, वेलकम टू एंजल क्लासेस। आज आपके सामने नंबर सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं मैं। इसमें नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, जिसके लिए मैं आपके सामने पहला यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। यूनिट डिजिट का अर्थ होता है इकाई का अंक। इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम देखते हैं कि इकाई का अंक कहते किसे है। तो इसके लिए मैंने एक परिभाषा लिखी है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई का अंक कहलाता है। जैसे कि मैंने लिखा है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई का अंक कहलाता है। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 1234, तो इस दी गई संख्या में हमारा इकाई का अंक 4 है, तो यहां पर इकाई का अंक 4 है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दिए गई संख्या में इकाई का अंक 7 है। तो हमें जब किसी भी नंबर का इकाई का अंक बताना होता है, तो हम उसके इकाई यूनिट को ही फाइंड करेंगे, हमें और अन्य किसी भी संख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दिए गए पॉइंटों के आधार पर हमारा इकाई का अंक दी गई संख्या में 4 है, और यहां पर 2357 में इकाई का अंक 7 है। अब हम देखते हैं कि इकाई का अंक किस तरीके से अलग अलग जोड़ घटा गुणा भाग में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इकाई का अंक गुना जोड़ घटा भाग, इन सभी में हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं, उसमें गुना के लिए सबसे पहले हम गुना के लिए देखते हैं कि हमें इकाई का अंक किस प्रकार से ज्ञात करना है। मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं, इसमें कोई भी संख्या ले रहा हूं मैं, 1234 गुना 326 गुना 123, मैं इकाई का अंक फाइंड करना है। तो हमें देखते हैं, मैंने जैसे कि बताया है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक हमारा इकाई का अंक कहलाता है। तो दी गई संख्या में हमारा इकाई का अंक 4 है, और इस दी गई संख्या में इकाई का अंक 6 है, दी गई संख्या में इकाई का अंक 3 है। तो हमें दी गई संख्याओं के आधार पर हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमारा यहां पर 4 गुना 6 गुना 3। अब हम इनके गुना करते हैं दी गई संख्याओं की, 4 6 24 24 72, हमारा इकाई का अंक क्या मिला हमें 2। तो दिए गए क्वेश्चन में हमें इकाई का अंक 2 प्राप्त हुआ है। अब हम इसके बाद जोड़ के आधार पर हम इकाई का अंक ज्ञात करेंगे।
देखिए जोड़ के आधार पर इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है 253 प्लस 326 प्लस 257 दी गई संख्याओं में इकाई का अंक फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया था किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक कहलाता है। जैसे हमें यहाँ पर इसका अंतिम अंक 3 प्राप्त हुआ है, यहाँ पर हमें 6 प्राप्त हुआ है, यहाँ पर हमें 7। हमें इससे पहले अंकों से कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि इकाई का अंक फाइंड करना है। तो दी गई संख्याओं में हमने इकाई का अंक पता लगा लिया है। तो यहाँ पर 3 है प्लस इकाई का अंक यहाँ पर 6 है प्लस इकाई का अंक 7 है। अब हम इन सभी को ऐड करेंगे, 6 3 9 9 7 16। तो दी गई संख्या में हमारा इकाई का अंक 6 प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, घटाना में देखते हैं इसको कैसे मालूम करते हैं इकाई का अंक। 245 माइनस 321 प्लस 712 माइनस 613 में इकाई का अंक फाइंड करना है। तो दी गई संख्याओं में हमें इकाई का अंक प्राप्त हो रहा है 5, यहां पर 1 और यहां पर 2, यहां पर 3। अब हम देखते हैं इनके चिन्ह के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहां पर ये प्लस का 5 है, यहां माइनस का 1 है, प्लस का 2 है और माइनस का 3 है। चिन्हों के अकॉर्डिंग हम इसको हल करेंगे और हमें इकाई का अंक ज्ञात हो जाएगा। जैसे देखते हैं प्लस का 5 और प्लस का 2 7, माइनस 1 माइनस 3 माइनस का 4, हल करेंगे 7 माइनस 4 3। तो दिए गए क्वेश्चन में हमें इकाई का अंक प्राप्त हो चुका है 3। अब हम देखते हैं इससे नेक्स्ट भाग के लिए। अब हम देखते हैं भाग में, भाग में हम किस प्रकार से इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन यह है 428 मल्टी 18 डिवाइड बाई 12 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं 428 गुना 18 में इकाई का अंक 8 है और यहां पर इकाई का अंक 8 है और अपॉन इकाई का अंक इसमें 2 है। तो अब हम इसे हल करेंगे, इकाई का अंकों की गुना करेंगे 8 की 64 और यहां पर इकाई अंक हमारा 2 है। अब हमें दिए गए क्वेश्चन में देखते हैं, या तो आप इसे डिवाइड कर लेंगे या फिर इसका इकाई अंक फाइंड कर लेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे, 4/2 को डिवाइड करेंगे 2 × 2 = 4। तो दिए गए क्वेश्चन में हमें इकाई का अंक प्राप्त हुआ है 2। देखिए मैंने आपको इन चारों पॉइंटों में आपको इकाई का अंक ज्ञात करने का तरीका बता दिया है। मैंने गुणा जोड़ घटा और भाग में मैंने
इकाई काम ज्ञात करने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अब मैं आपको एक नया पॉइंट बता रहा हूं, इसको भी आप गौर से देखना। जैसे कि हम सभी को पता है शून्य का निर्माण दो और पांच के मल्टीपल से होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं शून्य का निर्माण दो व पांच के मल्टीपल से होता है। कैसे? दो गुना पांच करेंगे तो दो पंजे दस, तो हमें प्राप्त हो गई शून्य। तो इस प्रकार हमारे शून्य का निर्माण दो गुना पांच के मल्टीपल से होता है। अब हम इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन देखते हैं। 312 गुना 525 गुना 317 में इकाई का अंक ज्ञात करो। देखिए यहां पर मैं आपको इकाई का अंक ज्ञात करा रहा हूं, बट यहां पर मैंने शून्य का निर्माण जो दो व पांच के मल्टीपल से होता है इस क्वेश्चन को लिया है। तो हम देखते हैं दिए गए क्वेश्चन में हमारा इकाई का अंक क्या होगा। देखते हैं, हमने पहली डिजिट में लिया 312 में इकाई अंक 2, 525 में इकाई अंक 5 और 317 में इकाई अंक 7। हमें अन्य अंकों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमसे पूछा गया है इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो यहां पर हमारा 2 मल्टी 5 मल्टी 7। अब हम इनकी गुणा करेंगे, दो पंजे दस मल्टी 7। तो जीरो की गुणा हम किसी भी संख्या में अगर करते हैं तो हमें जीरो ही प्राप्त होगा। जीरो की आप चाहे कितनी बड़ी या कितनी छोटी संख्या में अगर जीरो से गुणा करते हैं तो हमें जीरो ही प्राप्त होगा। तो हमारा इकाई का अंक जीरो प्राप्त हो गया। तो दी गई संख्या में इकाई का अंक जीरो है। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें मालूम है कि दो व पांच के गुणनफल से हमें इकाई का अंक शून्य प्राप्त हो जाता है। और इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया है, दो व पांच और सात की आपस में मल्टी करने से हमें इकाई का अंक शून्य प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन और लीजिए, इसमें 91 गुना 93 गुना 95 गुना 96 गुना 97 गुना 98 में इकाई का अंक बताना है। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हमें इकाई अंकों को फाइंड करना होगा। और एक पॉइंट हम यह भी जानते हैं कि यदि हम पांच की किसी भी सम संख्या में गुणा करते हैं तो हमें इकाई के स्थान पर शून्य प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने कहा है, यदि हम पांच के अंक की किसी भी सम संख्या में गुणा करते हैं तो हमें इकाई के स्थान पर शून्य प्राप्त होता है। जैसे कि आप देखिए, ये मोस्ट पॉइंट है आपके लिए। पांच का किसी भी सम संख्या में
इकाई का अंक शून्य प्राप्त होगा। जैसे देखते हैं फाइव का मल्टी टू में करेंगे, पांच को भी दस, और पांच का मल्टी चार में करेंगे पांच चौक बीस, और पांच का मल्टी छह में करेंगे पांच छह तीस, और पांच का मल्टी आठ में करेंगे पांच अठे चालीस। तो इस प्रकार हम पांच का मल्टी किसी भी सम संख्या में कर रहे हैं, ये हमारी सम संख्या है और हमें यहां पर इकाई का अंक प्राप्त हो रहा है शून्य, इकाई का अंक। तो हमें पांच दुनी दस इकाई अंक शून्य प्राप्त हुआ, पांच चौबीस इकाई अंक शून्य, पांच छत्तीस इकाई अंक शून्य, पांच अठे चालीस इकाई अंक शून्य। जैसे कि मैंने बताया है पांच का किसी भी सम संख्या में गुणा करने पर उसका इकाई अंक जो है संख्या का इकाई अंक शून्य ही प्राप्त होगा। जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है पांच की अगर हम इस सम संख्या इकाई अंक सम संख्या छह में गुणा करेंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। जैसे कि पांच छम तीस, तो हमें इकाई अंक के स्थान पर हमें शून्य प्राप्त हुआ है। और जैसे कि मैंने बताया है कि शून्य ही गुणा किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या या छोटी संख्याओं में गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक शून्य हो जाएगा। तो यहां पर दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो इकाई का अंक शून्य है। अब आप आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहा हूं मैं, यदि किसी भी विषम संख्या में हम पांच का मल्टीपल करते हैं तो हमें इकाई के स्थान पर पांच ही प्राप्त होगा। देखिए लिखते हैं, यदि किसी भी विषम संख्या में पांच का गुणा करने पर इकाई का अंक पांच ही प्राप्त होगा, इकाई का अंक पांच प्राप्त होगा। देखते हैं कैसे प्राप्त होता है। जैसे पांच गुना एक, हमारी एक विषम संख्या है पांच ही कम पांच, पांच गुना तीन, पांच किए पंद्रह, पांच गुणा पांच, पांच पंजे पच्चीस, पांच गुणा सात, पांच सते पैंतीस, पांच गुणा नौ, पांच गुणा पैंतालीस। तो ये हमारी विषम संख्या है, विषम संख्या। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर हम पांच की गुणा विषम संख्या में कर रहे हैं तो हमें इकाई का अंक पांच प्राप्त हो रहा है। इकाई का अंक पांच प्राप्त हो रहा है। ये पांच यहां पर, पांच यहां पर, पांच यहां पर, पांच यहां पर, पांच। तो हमें इकाई के स्थान पर इकाई का अंक हमें पांच प्राप्त हो जाता है। अब आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, देखना, 13 गुना 200 16
77 गुना 551 गुना 355 गुना 729 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि किसी भी विषम संख्या में यदि हम 5 से गुणा करते हैं तो हमें इकाई के स्थान पर इकाई का अंक 5 प्राप्त होगा। तो देखिए हमारे यहां पर 5 है इकाई के स्थान पर, और किसी भी विषम संख्या में हम गुणा करते हैं, इधर करेंगे या इधर करेंगे या इधर करेंगे, किसी भी साइड में हम गुणा करते हैं ऐसे, तो हमें इकाई के स्थान पर 5 ही प्राप्त होगा। तो दिए गए क्वेश्चन का जो इकाई अंक है हमारा 5, 5 हमारा इकाई का अंक है। अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, हम जानते हैं कि ये जो चेन होता है इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल या इसको हम इस चिन्ह से भी जानते हैं, फैक्टोरियल। इसका इंडिया होता है कर्म गुणित, कर्म गुणित चिन्ह। ये कर्म गुणित चिन्ह है, और जब ये किसी भी संख्या के साथ आता है जैसे 4 के साथ ऐसे लिखा जाएगा, या इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि 4 के 4 को गुणनफल के रूप में घटते क्रम में लिखते हैं। कैसे? 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे लिखेंगे। और लीजिए फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब यहां हम एक इंपॉर्टेंट बात देख रहे हैं कि 5 वाली बात आ गई कि 5 की किसी भी सम संख्या में अगर हम गुणा करते हैं तो हमें इकाई के स्थान पर 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, 5 × 20। यदि हम इस क्वेश्चन में इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं इसमें, तो हमारे दिए गए क्वेश्चन में इसमें इकाई का अंक 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ इकाई का अंक 0 मिल रहा है। और देखिए 5 से जितने भी और ज्यादा हम लिखते हैं फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो यहां पर भी हमें 5 × 20 = 0 या 5 × 20 = 0। तो यहां से भी हमें इकाई का अंक 0 या 0 लिख सकते हैं, और 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार अन्य हम 5 या 5 से अधिक कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए फैक्टोरियल के रूप में तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा, क्योंकि इसके बाद सभी डिजिट में 5 का मल्टीपल अवश्य होता है। इसलिए इसके बाद जितने भी हमारे क्वेश्चन आएंगे जैसे फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 27, फैक्टोरियल 42
आदि आप कितने भी आप इसी प्रकार ऐसों में आगे कितने भी लिख सकते हैं, तो इनमें हमें इनमें इकाई का अंक शून्य प्राप्त होगा। देख लीजिए आप, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश कर रहा हूं मैं पढ़ाने की। अब हम इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके माध्यम से हम इकाई का अंक भी ज्ञात करेंगे फैक्टोरियल के माध्यम से। जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, फैक्टोरियल 12 मल्टी फैक्टोरियल 8, मैं इकाई का अंक ज्ञात करो। जैसे कि मैंने बताया था अभी कि यदि फैक्टोरियल की संख्या 5 या 5 से अधिक आ जाए तो उन सभी का इकाई अंक शून्य होगा। जैसे यहां पर है हमारा 5 से ज्यादा है तो इसका जो मल्टीपल फैक्टर्स हो गए इसके, जैसे 12 मल्टीपल 11 मल्टीपल 10 ऐसे ही 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 और मल्टीपल 12 के लेंगे, इसी प्रकार इसके 8 के लेंगे 8 मल्टीपल 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 ऐसे मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। तो हमें दिख रहा है कि हमारा इकाई का अंक 5 के साथ किसी भी सम संख्या में मल्टी हो जाने से वह शून्य हो जाता है। ये देखिए, तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हमारा शून्य मिल रहा है, तो यहाँ पर इकाई का अंक शून्य है। अब मैं आपको इससे भी अच्छा एक नया पॉइंट पढ़ाऊंगा, देखना बहुत ही अच्छा। आपके सामने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं। आप दुनिया का कोई भी अंक जो होगा उसके इकाई स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 होगा। इसके अलावा कोई भी अन्य अंक इकाई स्थान पर नहीं होगा। तो यहां पर आपके सामने नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। संसार की किसी भी संख्या का इकाई अंक केवल जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ या नौ होगा। तो संसार की किसी भी संख्या में उसके इकाई स्थान पर आने वाला अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 होगा। अब हम इनके माध्यम से इकाई अंक 3 प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो इकाई का अंक ज्ञात करने की इसमें 3 विधियां बताई जाएगी आपको, कि इकाई का अंक हम 3 प्रकार से ज्ञात करते हैं। टाइप फर्स्ट में 0, 1, 5 या 6। टाइप फर्स्ट में आने वाले इकाई के स्थान पर जो अंक होंगे 0, 1, 5 और 6 होंगे।
अब टाइप सेकंड में आते हैं, इकाई के स्थान पर आने वाले अंक जो हो गए चार है नौ। अब आते हैं टाइप तीन में, इकाई के स्थान पर आने वाले अंक दो तीन सात और आठ। अब ये हमारी जो टेन डिजिट है ये तीन टाइपों में डिवाइड हो गई है। पहले टाइप में जीरो एक पांच छह चार डिजिट आ गई, दूसरे टाइप में चार और नौ आ गया दो डिजिट ये हो गई, और तीसरे टाइप में दो तीन सात व आठ आ गया। अब हम तीनों टाइपों के माध्यम से हम इकाई का अंक ज्ञात करेंगे कि इकाई का अंक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। जैसे कि टाइप फर्स्ट लेता हूं मैं, टाइप फर्स्ट में जीरो एक पांच व छह आता है। जैसे कि मैंने बताया है किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर आने वाले अंक यदि जीरो एक पांच या छह हो और उन पर चाहे कितनी भी बड़ी घात सम या विषम रूप में हो, सम या विषम रूप में हो, सम या विषम हो ऐसे लिख सकते हैं, तब उनका इकाई अंक स्वतः जीरो या एक या पांच या छह ही होगा। जैसे देखते हैं हम, सबसे पहले हम जीरो लेते हैं जीरो। अब हम देखते हैं कि यदि मैं जीरो की पावर वन लिखूं तो इसे जीरो ही लिखेंगे, जीरो की पावर टू जीरो मल्टी जीरो जीरो ही होगा, जीरो की पावर थ्री जीरो मल्टी जीरो मल्टी जीरो जीरो, जीरो की पावर फोर जीरो मल्टी जीरो जीरो। इस प्रकार हमें जीरो की पावर कुछ भी कितनी भी बड़ी आ जाए तो उसका जो इकाई स्थान पर अंक होगा वो जीरो ही होगा, ऐसे हम इसको दर्शाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे 210 पर घात 425 में इकाई का अंक बताना है। अब आप देखना इसमें 210 की पावर 425 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था हमें केवल इकाई का अंक ज्ञात करना है, हमें अन्य अंकों से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर इकाई का अंक जीरो है और घात 425। जैसे कि मैंने बताया जीरो पर कोई भी घात आ जाए तो उसका इकाई का अंक शून्य होगा, तो इसका इकाई का अंक शून्य है। और ले लीजिए 350 पर घात 17 में इकाई का अंक 0 की पावर 17 तो 0 ही होगा इकाई का। अब हम देखते हैं
वन वन के लिए देखते हैं किस प्रकार हमें एकाएकांक फाइंड करना है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा, आप ध्यान से सीखना इसको। अब हम वन के लिए लेते हैं, जैसे वन की पावर वन को लिखेंगे वन ही, वन की पावर टू को लिखेंगे वन मल्टी वन इक्वल टू वन, वन की पावर थ्री को लिखेंगे वन मल्टी वन मल्टी वन इक्वल टू वन। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक की पावर चाहे कुछ भी आ रही है वो उसका इकाई अंक केवल एक ही प्राप्त हो रहा है ऐसे। अब हम इसका क्वेश्चन लेंगे, 331 की पावर 450 में इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक हमें इन अंकों से कोई मतलब नहीं है, हमें इकाई का अंक 1 ले लिया और इस पर पावर 450 ली है तो हमारा इकाई का अंक 1 ही प्राप्त होगा। तो दिए गए क्वेश्चन में हमें इकाई का अंक 1 ही मिल रहा है। इसी प्रकार हम अन्य एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, देखिए भैया नया क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने। अब हम इसमें 5 नंबर लेते हैं, चेक करेंगे 5 की पावर 1 तो 5 और 5 की पावर 2 5 गुना 5 बराबर लिखेंगे 25, 5 × 25 तो हमें इकाई का अंक 5 प्राप्त हो रहा है। 5 की पावर 3 यानी 5 की घात 3 5 × 5 × 5 125, 5 × 25 = 125। इस प्रकार हम 5 की घात कुछ भी लिखते हैं तो उसका जो इकाई का अंक हमें 5 ही प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं, 325 पर घात 1025 में इकाई का अंक ज्ञात करें। जैसे कि मैंने बताया है हमें केवल इकाई के अंक को फाइंड करना है तो हमें इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं होगा। तो 5 की घात 1025 में हमें इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि 5 पर कोई भी घात आ जाए, सम या विषम कोई भी घात आ जाए तो उसका इकाई अंक केवल 5 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें 5 पर घात 1025 सम या विषम कुछ भी आ जाए तो हमारा इकाई का अंक केवल 5 ही प्राप्त होगा। तो हम आगे आते हैं 6 पर, अच्छा लग रहा तो देखना। अब चेक करते हैं 6 की घात 1 को लिखेंगे 6 × 6 इकाई अंक हमारा, ये इकाई अंक हो रहा है 6 इकाई अंक 6। 6 की घात 2 को 6 × 6 = 36 इकाई अंक हमें 6 मिल रहा है। देखना 6 की घात 3 6 × 6 × 6 = 36 इकाई 216। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 6 पर सम या विषम कोई भी घात आ रही है तो हमें इकाई का अंक 6 ही प्राप्त हो रहा है। जैसे क्वेश्चन लेंगे 216 की घात 728 में इकाई का अंक बताना है। अब जैसे कि मैंने बताया हमें केवल इकाई के अंक को ध्यान रखना है, हमें अन्य संख्याओं से कोई मतलब नहीं होगा। तो हमने लिया इकाई का अंक 6 और इस पर पावर ली मैंने 728। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि 6 पर सम या विषम कोई भी घात आ जाए तो उसका इकाई का अंक 6 ही होगा। तो यहाँ पर 6 पर घात 728 है तो हमारा इकाई का अंक केवल 6 ही होगा इकाई का।
देखते हैं, मैंने टाइप फर्स्ट के सभी पॉइंट करा दिए, अब मैं आपको टाइप सेकंड जिसमें इकाई के स्थान पर चार या नौ आएगा इसको पढ़ाऊंगा। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश कर रहा हूं मैं। अब हम लेते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में हमारे इकाई के स्थान पर आने वाले अंक होंगे चार व नौ। इसमें हम लेते हैं सबसे पहले चार लेते हैं, चार चार को लेंगे, देखना ध्यान से। जब किसी भी संख्या का इकाई अंक चार आ जाए तो उस पर हम देखते हैं यदि घात सम है, यदि घात सम है तो इकाई का अंक छह होगा। कैसे देखना, चार की घात दो ये सम है तो इसको हल करेंगे, लिखेंगे चार गुना चार, चार चौक सोलह, छह आ गया। जैसे चार की घात चार लेंगे, ये भी सम घात है तो चार गुना चार गुना चार गुना चार, चार चौक सोलह, सोलह चौक चौसठ, चौका दो सौ छप्पन। यहां पर भी हमें छह ही प्राप्त हो रहा है। जैसे कि हमने देखा है यदि किसी भी संख्या में इकाई अंक चार आ जाए और उस पर घात सम हो, सम आप जानते हो सम घात कौन कौन सी होती है, सम सम आप जानते हो, सम सम संख्या या सम घात देखना जानते हैं, सभी को पता है दो चार छ आठ दस ऐसे सभी को पता है सम संख्या या सम घात ये होगी। अब हम देखते हैं यदि घात विषम हो, तो जब घात विषम होगी तो इकाई का अंक, इकाई का अंक चार होगा। जैसे चार की घात एक ही है, विषम है हमारा, तो इसे हम हल करेंगे, लिखेंगे चार ही चार, तो हमें इकाई का अंक चार प्राप्त हुआ है। जैसे चार की घात तीन, ये भी हमारा विषम है, तो चार गुना चार गुना चार हल करेंगे इसको, चार चौक सोलह, सोलह चौका चौसठ, तो यहां पर भी हमें इकाई का अंक चार ही प्राप्त हो रहा है। तो देखना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक चार आ जाए तो उस पर घात यदि सम है तो उसका इकाई अंक केवल छह होगा, और यदि घात विषम है तो उसका इकाई अंक चार होगा। देखते हैं, अब हम इसके क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है हमारे सामने, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई भी ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी। जैसे 334 की घात 728 में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। जैसे मैंने बताया है केवल हमें इकाई का अंक ही फॉलो करना है, केवल इकाई का अंक, तो हमें इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। चार, इस चार पर घात 728, देखते हैं घात सम घात है, ये सम घात है। जैसे कि मैंने बताया है कि यदि सम घात आ जाए तो उसका इकाई का अंक छह होगा, भाई इकाई अंक क्या होगा, छह होगा।
जैसे अभी बताया है चार पर संघात आ जाए, चार गुना चार हल करेंगे, चार चौक सोलह, इकाई काम छह। देख लीजिए यहाँ पर हमारी जो घात है या संघात है, और यहाँ पर भी हमारी घात 728 संघाती है, तो संघात के लिए मैंने इकाई काम छह बताया, और मैंने अभी पहले भी बताया है यदि घात सम आ जाए तो इकाई छह होगा। बहुत ही आसान है आपके लिए, बहुत ही अच्छा है, आप ध्यान दीजिए और अपने कॉम्पिटिशन को आसान बनाइए, अच्छी तरह से पढ़िए, एक एक पॉइंट हम आपका क्लियर कराएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे आपके लिए, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब। धीरे धीरे अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं धीरे धीरे, और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देंगे और इजी सॉल्यूशन मिलेगा आपको उन सभी का, और जिससे आपका कॉम्पिटिशन बिल्कुल आसान इजी हो जाएगा, जिससे कि आप आसानी से कॉम्पिटिशन क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर देखना आपके सामने ये जो नो है, अब हम नो को देखते हैं, ये इसको भी इसी प्रकार समझेंगे। जब किसी भी संख्या का एकाएंक नो आ जाए तो उस पर देखते हैं यदि घात सम है, यदि घात सम है तब इकाई का अंक एक होगा, यदि घात सम है तब इकाई का अंक एक होगा, और यदि घात विषम है तब इकाई का अंक नौ होगा। देखते हैं कैसे होता है, यदि हम क्वेश्चन देते हैं नौ बार घात सम लिखता हूं मैं, तो इसे ऐसे लिखेंगे नौ गुणा नौ, नौ की नौ में गुणा करेंगे नौ नम्मा 81, तो यहां पर हमें इकाई का अंक प्राप्त हो रहा है नौ। ऐसे ही कोई और ले लीजिए इसे, तो इकाई का अंक एक ही प्राप्त होगा, नौ नम्मा 81 इकाई का अंक एक। ऐसे यहां देखना यदि घात विषम है, जैसे नौ की घात एक, यह विषम संख्या है, हल करेंगे इसे नौ आता है, नौ की घात एक नौ, तो हमारा इकाई का अंक नौ आ गया, नौ के घात तीन ये भी विषम है, तो इकाई का अंक नौ ही होगा, नौ गुणा नौ गुणा नौ, नौ नम्मा 81 नम्मा 729, तो हमें इकाई का अंक नौ ही प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम टाइप दो को पढ़ चुके हैं, जिसमें इकाई स्थान पर आने वाला अंक चार और इकाई स्थान पर आने वाला अंक नौ है, तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट बताए हैं मैंने। अब हम टाइप चार लेते हैं, सॉरी टाइप तीन, देखना टाइप नंबर तीन। टाइप तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टाइप फर्स्ट सेकंड और टाइप फर्स्ट सेकंड से भी ज्यादा स्टैंडर्ड है, तो इस टाइप को जरा ध्यान से देखना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको सीखने को मिलेंगे इसमें। तो टाइप तीन आती है हमारी, जिसमें इकाई स्थान पर आने वाले अंक हो गए दो तीन सात और आठ। इसके लिए हमारे सामने पॉइंट है कि जब किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का इकाई अंक दो तीन सात या आठ आ जाए तब उन पर आई घातों को छ
चार से भाग करते हैं, चार से भाग करते हैं। और जो शेष प्राप्त होगा वही संख्या की घात मानते हैं, वही संख्या की घात मानते हैं। देखना कैसे, अब हम इसको छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे पॉइंट की अवधान के माध्यम से समझाएंगे इनको। जैसे सबसे पहले मैं ले रहा हूं इसमें दो, दो की पावर वन, दो की पावर वन को लिखेंगे दो इकम दो। अब दो की पावर दो लिखेंगे दो गुणा दो चार, दो की पावर तीन को लिखेंगे दो गुणा दो गुणा दो, दो दुनी चार दुनी, दो दुनी चार दुनी आठ, दो की पावर चार लिखेंगे दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह, दो की पावर पांच, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, दो दिन चार दिन आठ दिन सोलह दिन पच्चीस। अब हम देख रहे हैं चार स्टेप के बाद साइकिल रिपीट हो रहा है, तो चार स्टेप के बाद पुनः हम देखते हैं कि यही इकाई कांक रिपीट हो रहा है। जैसे दो की घात एक में इकाई कांक दो है, दो की घात दो में इकाई कांक दो चार है, दो की घात तीन में इकाई कांक आठ आ रहा है, दो की घात चार में इकाई कांक छह आ रहा है। हजार के बाद एक स्टेप कंप्लीट पूरा होने के बाद फिर रिपीट हो रहा है, दो की घात पांच लिख रहे हैं हम, दो गुना दो गुना दो गुना दो बत्तीस, फिर ये रिपीट हो गया है। इसी प्रकार दो की घात छह रिपीट हो जाएगा इकाई काम, क्योंकि हमने यहां पर इकाई के हम लिखे हैं, तो इसलिए हमारा ये इकाई काम चार रिपीट हो रहा है। दो की घात सात देखते हैं हमें, आठ हो जाएगा रिपीट, दो की घात आठ छह आ जाएगा इकाई के स्थान पर, और इस प्रकार चार स्टेप पूरे होने के बाद फिर ऐसे ही चलता रहता है। तो इसीलिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि चार स्टेप के बाद साइकिल पुनः रिपीट हो रही है, और यही वजह है कि जब किसी भी संख्या दो तीन सात आठ वाली संख्या जो इकाई के स्थान पर आएगी उन पर घात कितनी ही बड़ी आ जाए तो हमें हम चार से डिवाइड करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि घात को रिड्यूस कर सके, छोटा कर सके और हमें आसानी हो जाए। तो चार से इसीलिए डिवाइड किया जाता है घातों को, क्योंकि चार स्टेप के बाद स्टेप पुनः रिपीट हो जाता है, इसलिए घातों को रिड्यूस या कम करने के लिए हम चार से डिवाइड करते हैं। इसमें एक पॉइंट और है, जब घात को चार से पूरा पूरा डिवाइड करते हैं या घात चार से पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है तो उस पर शेष बची घात हम चार ही मानते हैं। देखना जैसे 212 पर घात 420, 212 की घात 420 में इकाई का अंक ज्ञात करना है,
तो यहाँ पर घात चार से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, चार से पूरी पूरी कट रही है, तो हमें यहाँ पर जब चार से घात पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो इसकी घात हम चार ही मानते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि दो की घात चार, दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह, तो इकाई काम का मैं इसमें छह प्राप्त हो रहा है। तो चार से यह पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, जब घात चार से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो उसकी घात चार ही मानते हैं, और इस प्रकार हमें इकाई का अंक छह प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें इसमें इकाई का अंक छह प्राप्त होता है। यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, वे ऐसा लिख देते हैं इसको 212 की घात 420 को चार से जब डिवाइड करते हैं तो यह घात जब पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो यहाँ पर इसको शेष के रूप में शून्य मान लेते हैं और इसका इकाई अंक एक कर देते हैं, जबकि यह गलत है क्योंकि इसमें चार स्टेप के बाद पुनः चक्र रिपीट हो रहा है, तो चार स्टेप पूरा कटने के बाद इकाई का अंक छह होता है, क्योंकि चार को हम उसकी घात मान लेते हैं जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है। और बहुत से बच्चे इस गलती को दोबारा दोहरा देते हैं और इस प्रकार उसका इकाई अंक एक कर देते हैं, जबकि यह क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों से बहुत सावधान रहना है आपको, ये ध्यान रखना है कि जब भी घात चार से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो उस संख्या के इकाई स्थान पर आने वाले अंक की घात चार ही मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको हल कर लेते हैं, तो हमें इकाई का अंक प्राप्त हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह कोशिश किया इसको बताने के लिए। अब इसके अन्य क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे 322 की घात 726 में इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इकाई का अंक दो पर घात 726 को चार से भाग करेंगे, चार एकम चार, तीन चार टे बत्तीस, चार एकम चार दो बज जाता है, तो अब हमारे यहाँ घात चार से पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, दो की घात दो को खोलेंगे, दो गुणा दो, दो दुनी चार, तो हमें इकाई का अंक चार प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार हमारा आठ का नियम भी इसी प्रकार है, जैसे हमारा दो का नियम है, जैसे देखिए आठ की घात एक, आठ, आठ की घात दो, आठ गुना आठ, आठ अटी चौसठ, इकाई का अंक हमें यहाँ पर आठ मिला है, यहाँ पर चार। आठ की घात तीन, आठ गुना आठ गुना आठ, 512, यहाँ पर इकाई का अंक दो, आठ अटी चौसठ अट्ठे 512। आठ की घात चार, आठ गुना आठ गुना आठ गुना तो ये 40-96 हो जाएगी, इसकी गुना 40-96 आठ अट्ठी चौंसठ अट्ठे 40-96, तो यहाँ पर हमें इकाई का अंक 6 प्राप्त हो रहा है। अब जैसे हमारे चार स्टेप पूरे हो जाते हैं तो पांचवें स्टेप में फिर साइकिल रिपीट हो जाती है, जैसे आठ की घात पांच, तो आठ गुना आठ गुना आठ गुना आठ, ऐसे हमें इकाई का अंक फिर आठ ही प्राप्त होगा। तो इसमें भी इसी तरीके से यही रूल लगता है, तो दो और आठ का रूल जो है सेम होता है। जब भी चार से पूरी पूरी घात कट जाती है तो उसका इकाई अंक छह ही होगा यहाँ पर भी, और अभी मैंने पढ़ा है इकाई अंक दो वाले के लिए भी, जब चार से घात पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो इकाई का अंक
छह ही होगा। अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल्स। 218 के बाद 323 में इकाई का अंक बताएं। इकाई का अंक हमें क्या करना है, 8 को लेना है और इस पर घात 323 है तो 4 से डिवाइड करना है, 4 8 32 3 से रह जाएगा। अब हम इसको लिख देंगे 8 × 8 × 8 के फॉर्म में, 8 8 64 8 512, तो हमारा इकाई अंक 2 प्राप्त होगा। और लेते हैं 348 की बात 400 में इकाई का अंक बताना है। इकाई अंक ऐसे करेंगे, हम 8 लेंगे और यह घात हमारी 400, 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो जैसे ही 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो मैंने बताया था कि इकाई अंक पर घात 4 ही मान लेते हैं। अब इसे हल करेंगे 8 × 8 × 8 × 8, 40 96 हो जाएगा ये, 8 8 64 8 512 8 40 96, तो इकाई का अंक हमारा क्या मिल रहा है, 6। अब देखते हैं हम 3 और 7 के लिए, 3 और 7 के लिए देखेंगे। अब हम नए पॉइंट पर चल रहे हैं, 3 और 7 देखना। 3 और 7 भी सेम है, जैसे 2 और 8 सेम था, इसी प्रकार 3 और 7 देखना। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 3 × 3 9, 3 की पावर 3 3 × 3 × 3 3 × 9 = 27। इकाई का 3 9 7, 3 की पावर 4 क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 3 × 9 = 23। और अब फिर 4 स्टेप के बाद यह साइकिल रिपीट हो रही है, 3 की पावर 5 3 × 9 = 27 × 81 = 243। तो देखिए यह रिपीट हो रही है दोबारा, यही दोबारा यही रिपीट हो रही है। वही बात है, अगर घात 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी तो घात 4 मान लेते हैं और इकाई अंक हमारा 3 प्राप्त होगा। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए आप, 323 की घात 404 में इकाई अंक बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये कि घात जब 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, ये 4 से पूरी डिवाइड हो रही है तो हमें इकाई का अंक 3 पर घात 4 मानते हैं और इसका इकाई अंक मैंने बताया 1 होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 इकाई अंक। अन्य क्वेश्चन उदाहरण ले लीजिए, 483 की घात 418 में इकाई अंक ज्ञात करना है। देखना घात को 4 से भाग करेंगे, 4 2 40 4 4 16 2 बच गया शेष, तो 3 की घात 2 को लिखेंगे, 3 × 3 3 × 9 तो इसका इकाई अंक हमारा 9 है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं 7 को,
जैसे सात की घात एक, सात सात की घात दो, सात गुना सात उनचास, सात की घात तीन, सात गुना सात गुना सात 343, और सात की घात चार, सात गुना सात गुना सात गुना सात, सात के 21, सात चौक 28, दो 30, तीन सात के 21 और तीन 24, 2401। तो हमें चार के बाद हमारा जो साइकिल है वो रिपीट हो जाती है। जैसे देखना, सात की घात पांच, तो हमारा सात ही आएगा, ये साइकिल रिपीट हो जाती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही देखते हैं, जब घात चार से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो उसकी घात चार ही मान लेते हैं और उसका इकाई अंक हमारा एक होगा। जैसे क्वेश्चन दे दीजिए आप, 217 की घात 408 में इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हमें इकाई का अंक यहां से साथ लेना, इससे हमें कोई मतलब नहीं किससे, और यह घात हमारी चार से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो इसकी घात सात ही मान लेते हैं, और हमारी सात गुना सात गुना सात गुना सात को जब हम लिखते हैं सात शक्ति सत्ताईस है, तो कितना होता है 2401, तो हमारा इकाई अंक एक होगा। तो देखिए गाइस, आपके सामने आज मैंने ये टॉपिक फर्स्ट लिया है जिसमें मैंने यूनिक डिजिट को बहुत अच्छी तरीके से कोशिश किया है। आप हमारा सांस बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके सामने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊँ, और आगे भी मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक दूंगा, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक स्टैंडर्ड क्वालिटी सिखाऊंगा, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद।